ठीक है। तो चलिए, आनंद जोशी जी, सरफराज और रमेश जी, इनकी एक अनुज जी की एक फाइल है, उसको आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली उनका ये अटेंडेंस रोस्टर है, तो देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये इनके 3 मेंबर्स हैं, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह है, और ये इनका अटेंडेंस है। तो टीम ए के लिए काम कर रहे हैं, बी के लिए शिफ्ट ए है, बी कौन शिफ्ट है, सी शिफ्ट है, डब्ल्यू बी कौन सा है, और ये जो बाकी है ना, कोई कोई सैम्पल्स है, लीव एल फॉर लीव है, इनके सैम्पल्स है बस। वो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे उनका सम चाहते हैं, टोटल चाहते हैं कि ए शिफ्ट ने कितना काम किया है, बी शिफ्ट ने कितना, सी शिफ्ट ने कितना, और डी शिफ्ट ने कितना, और टोटल वर्किंग आवर। और दूसरी, ये वर्किंग आवर कैसे निकाला आपने सर? सर एक्चुअली अगर हम उसमें जो भी वैल्यू डालते हैं, अगर हम बी डालते हैं सर, मेरा कंसर्न रहता है कि कोई भी बंदा, बिकॉज हमारा 24x7 सपोर्ट रहता है, ठीक है, मतलब इसमें है सपोर्ट में, और तो सबका वर्क आवर इक्वल होना चाहिए, 168 ही आना चाहिए। तो क्योंकि 4 शिफ्ट है, तो अगर सर जैसे भी फिल करते हैं शिफ्ट में, ए डाला, बी डाला, सी, सबका मतलब 8 8 आए, सिर्फ जो डी और एन है उनका मतलब 12 12 आवर्स। आप सर कर्सर नीचे करेंगे एक बार, कर्सर शीट पे, एक्सेल शीट पे, अच्छा, मतलब दिया हुआ है, चलिए। हाँ, ये जी सब कुछ लिखा है, ए मतलब ये, बी सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो ये हमारी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे, आपको बताता हूं कि इसके लिए हम काउंट इफ कर लेंगे, ठीक है, काउंट इफ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एल कर देता हूँ फॉर लीव, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला काउंट इफ का। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें फिर अलग अलग सबको लगाना पड़ेगा, बिकॉज कि अगर ये सिक्वेंस, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, मैं अगर सिंपली करूंगा यहाँ पे काउंट इफ लगाऊं कि सिंपली काउंट, यहाँ पे COND काउंट इफ, और काउंट इफ में मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, और हमने बोला कि इसमें ए को काउंट करें, तो ये बता देगा कि ए 0 है। अनुज मान लीजिए किसी ए शिफ्ट में, अगर मैं चेंज करता हूं, उसमें ए शिफ्ट कर देता हूं, तो इसका आ जाता है, ठीक है। तो काउंट में बोला तो, हेलो, नहीं चल रहा, ठीक है। अनुज जी, समझ में आया आपको? हाँ सर, कैसे सर आपने क्या किया, अनुज एक को सिलेक्ट किया पूरा? हाँ, हमने पूरा रो को सिलेक्ट कर लिया और हमने बोला इसमें से ए को काउंट करे, तो इस कॉलम में जहां जहां सिर्फ ए लिखा होगा उसकी काउंट निकाल देगा, ठीक है। ठीक है सर। तो यहां भी आप इसको भी सिंपल हम कंट्रोल आर कर देते हैं, तो यहां भी देखिए 20 आ गया, आ गया 20, 21 था इससे पहले, तो एक यहाँ आ गया, 21 यहाँ आ गया, और ऐसे बाकी जगहों, सारे सारे जगहों पे आप इसको कर सकते हो, कंट्रोल आर यहां पे। कंट्रोल आर मतलब मैंने कॉपी पे फिल राइट, राइट की तरफ कॉपी पेस्ट कर दिया इसने, और फिर इसको इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। सॉरी, नीचे की तरफ ट्रैक करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर C15 16 हो जाएगा ना, इसलिए ये एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। जी। ये आ गया आपका, ठीक है सर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपने बोला यहां पे दिया हुआ है कि सी एबीसी जो है हमारा, एबीसी जो है इसका आवर जो है कितना है, 10.5 आवर का है ना, 10 घंटे का हाँ सर, 8 8 आवर्स का है है, 8 आवर का है, एबीसी जी। आपका 8 आवर का है, डी आपका 6 6 घंटे का है, 12 12 घंटे का, सर डी जी हाँ, बी सैटरडे संडे का है, 24x7 का। हाँ ओके। और ये दोनों को तो काउंट करना ही नहीं है, तो हाँ, ये वीकली ऑफ है जी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम सम में ए बी सी तीनों ले लिया,
और ए मल्टीप्लाई बाई होगा 8, 168, राइट। जी और इसमें हमारा ब्रैकेट देते हैं और इसमें हमारा प्लस होगा, और अगेन हम यहां पे देंगे सम और देंगे डी और एन। डी और एन 12 घंटे का है, राइट। जी ये आपका 168, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया, ये आपका रिपोर्ट फाइनली बन गया। समझ गए? सर, इसमें ना एक प्रॉब्लम है। क्या बताइए। सर देखिए, मैं जो मतलब रिपोर्ट था, सब किसी का भी 168 आवर से ऊपर नहीं जा सकता, तो प्रॉब्लम इसमें 176। वो तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका डेटा में देखिए सी जो है आपका 22 दिन का है। अच्छा नहीं, ठीक है सर, वो 176 आएगा मैक्सिमम, बिकॉज ए में एक दिन का लीव है, मैक्सिमम 176 का आएगा। हाँ सर, सर इसमें सर देखिए वन सर एट इसमें ये डी आपका नाइन जी में, इस अनुज जो है अनुज 5 में डी 9 आ रहा है, 9 टाइम आ रहा है। जी तो सर इसमें यही प्रॉब्लम। जी सर, B9 ये तो ठीक बना है, इसमें प्रॉब्लम यही आई थी जब जब जो फार्मूला लगाया था, जब हर महीने शिफ्ट रोटेट करते हैं ना, तो उसमें 4 आवर्स एक्स्ट्रा निकलते हैं, सिर्फ क्योंकि जो वीकेंड शिफ्ट में होते हैं डी नाइट में। सो पार्शल वाले केस में क्या कर रहे हैं इसे इक्वल करने के लिए? अगर मैं फार्मूला ये लगा देता हूँ और हर मंथ इसी के अकॉर्डिंग रोटेट करता हूँ, मतलब ठीक है, तो मुझे 4 आवर्स ये मैनेज करने पड़ते हैं, तो मैं फिर से इसलिए मुझे मैनुअली करना पड़ता है। ये 4 आवर्स हर मंथ में कई बार ज्यादा आ जाते हैं, डी जो वीकेंड शिफ्ट वाले होते हैं, तो इन्हें भी एज पर मतलब कंपनी पॉलिसी 176 आवर्स ही काम करना चाहिए, बिकॉज अमाउंट उसी के लिए मिलता है। मतलब कि तो सर अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर 180 हुआ तो 176 ही शो होना चाहिए आपको, ये बोल रहे ना आप। वो हाँ सर, हाँ सर, जो पूरा एक्स्ट्रा हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है या उसका रिकॉर्ड रखना है? सर रिकॉर्ड रखना कोई कंपलसरी नहीं है, वो मेल पे हो जाता। ओके, जैसे मान लीजिए ना कि मैंने इस महीने 4 घंटे ज्यादा काम किया, तो क्या ये इस महीने के जी 4 घंटा अगले महीने एडजस्ट हो गया? नहीं होगा, नहीं सर, नहीं होंगे। नहीं होगा ना। तो सिंपल है, तो यहां पे आप जो है मीन का फॉर्मा लगा लें, मीन जी यहां पे, क्योंकि हमें यहां पे 176 शो करना है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके लिए सिंपल सा मैं यहां मीन का फॉर्मा लगाऊंगा, मीन एंड कॉमा यहां पे दे दूंगा 176। एम आई एन मिन ब्रैकेट ओपन, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं एंड कॉमा 176। वो बेसिकली ये ऐसे नहीं मानेगा, यहाँ पे यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे मिन, बाद में उसको कंबाइन कर लूंगा। इसको सेलेक्ट किया, कॉमा 176 हो गया ना। और फिर मैं ये जो आ रहा है आपका इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ इस पे पेस्ट कर दूंगा I16 पे, देन इसको कट करके इसको पेस्ट कर दूंगा। फॉर्मेट लेके डाल दीजिए, फॉर्मेट रिप्लेस नाउ। ठीक है, ठीक है सर। सर अगर आप अगर यहाँ सर 1 सेकेंड, 176, 130, ठीक है सर। अगर आप ऊपर एक बार चेंज करके देखिए सर, किसी में किसी पे भी एल डाल दीजिए। हाँ यहाँ पे 180 था ना, 181.76 हो गया। नहीं सर, ये हो गया कहीं भी सर, सबसे ऊपर जो ए है जैसे कि मान लीजिए ये ए सबसे वन लास्ट वाला, सिक्सटी सिक्स है, जो ए है शिफ्ट ए है, मैं इसको एल ठीक एल यहाँ पे करता एल कर दीजिए। हूँ, एल कर दीजिए, देखिए चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ये मतलब हो गया हो सर, गया मैं ऐसे ही एक्चुअली करना चाह रहा था। हाँ ना, ये तो चल ठीक है, सही है। अब इस कंसेप्ट समझिए, ये अब जी आपने मीन का फॉर्मूला क्यों लगाया?
जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसको समझ लीजिए, कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि हर बार मैं आपको स्लाइड करूंगा 60 है। तो क्या हुआ कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, कोई भी कैलकुलेशन वी लुकस लेव किया तो 12,800 आ रहा है, राइट। कल के डेट में एक घटेगा तो आपका उससे कम आएगा, 10,000 आएगा। अब इसमें टॉपिक ये है कि इसकी कैलकुलेशन 15,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर 15,000 से ऊपर जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे 70 कर दिया, तो ये आपका माने 100 कर देता, मान लीजिए चलिए 100 कर दिया, मैंने 100 कर दिया, एक ट्रिक है, तो ये 20,300 है। तो इस केस में यहाँ पे 15,000 करना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। हाउ कैन, हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं कैलकुलेशन को? तो बेसिकली हमारे पास मिन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, मिनिमम, तो कि मिनिमम वैल्यू देता है। तो इसमें मैंने एक दे दिया 2,000, इसको हम इसको सेलेक्ट कर लिया और दूसरे पे हम 15,000 कर लिया। तो क्या होगा कि 15,000 से अगर नीचे होगा तो P6 की वैल्यू को शो करेगा 15, क्योंकि P6 छोटा होगा, और 15,000 से ऊपर की वैल्यू होगी तो ये 15,000 को शो करेगा। तो जब आपने बोला कि भाई अगर होता है, कंपनी बहुत सारी कंपनी होती है जैसे कि वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती, जैसे कि हम लोगों की कंपनी थी तो उसमें क्या था कि अगर आप संडे संडे काम कर भी लेते हो, अगर आपकी 30 डे 31 डे चला जाता है, जो 32 डे चला जाता है, तो आपको पैसा मैक्सिमम 31 डेज का ही मिलेगा, 32 डेज का नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर 32 डेज कैसे हो जाएगा? तो उसको हम लोग थे कॉम्प ऑफ, जैसे कि मैंने संडे को काम किया और मंडे भी काम किया, तो संडे की तो एक दिन एक्स्ट्रा हो ही जाएगी ना, क्योंकि वीकेंड वीक ऑफ भी होगा और एक दिन एक्स्ट्रा हमने काम किया तो एक दिन एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा। तो उस केस में हमने ये चीज अटेंडेंस में यूज करते थे कि अगर किसी अकाउंट अगर 32 आ रही है तो हम लोग क्या करते थे कि वो 31 तक ही उसको मिनिमम कर देते थे। ये हो गया। अब ये जो शिफ्ट आपने बनाया दिस इज अ परफेक्ट, बट यहां पे एक प्रॉब्लम है कि आपका डेटा का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपका यहाँ समरी का भी होना चाहिए। अनुज जी, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है हाँ आपको? सर, समरी का मतलब ये आपकी ऊपर समरी सेम ही है ना सर? है ना आपका ये? जी तो कहने का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस जो आप देख रहे हैं, नेम जो है आपका, जैसे कि अनुज पहले नंबर पे है, तो यहां भी अनुज पहले नंबर पे होना चाहिए, हाँ सर, वो करेक्ट है जी। 2, 3 है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि समरी, अगर मान लो कि आपको यहाँ मान लीजिए कि अनुज 5 जो है, अनुज 2 चेंज हो, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा कि ये मिस ये हो गया आपका, मतलब कि मिस अरेंज हो गया, वापस जी आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ओके जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो हर एंगल से सोचते हैं, हर एंगल से सोचना ही हमारा बेनिफिट होता है। तो हमें आप लोग समझाइए कि क्या आखिर किया जाए जिससे हमें, अगर अनुज अगर यहां पे भी आए फिर भी उसको उसका काउंट निकालना। रमेश इसमें जी, हम इंडेक्स और मैच का वैलिडेशन लगा सकते हैं सर? क्या सर? हम इंडेक्स लगा सकते हैं इसमें, इंडेक्स और मैच का वैलिडेशन, क्योंकि समरी हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। प्रॉब्लम ये कि डेटा ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, तो यहाँ पे कंबाइन नहीं, करना इसमें जो आपने तो जी रो नंबर सी, ये 16 नंबर में जो आपने लगाया, C16 में जो इक्वेशन लगाया हमने, देखिए इसके यहाँ पहले हम इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे हमें आपको कल वाला मेथड करना होगा, इनडायरेक्ट वाला मेथड जो बताया था मैंने, जो बैंक का और बताया था ना, उस मेथड को करना पड़ेगा, समझे? उस मेथड को करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं करूंगा, देखिए आपके सामने में मैच
मैच लगाऊंगा इसको, इस नेम को, और इसके ऊपर जाऊंगा और कॉमा जीरो। ये माफ कीजिएगा, मुझे ए से करना होगा ना, ए। B1 से, हाँ। तो हमने लगाया कि पूरे B1 से, और हमने बोला कि अनुज वन को, तो अनुज वन का इसने रो नंबर बता दिया कि अनुज वन का रो नंबर क्या है, समझ गए। फिर मैं इसी को कॉपी करता हूं और इसी के साथ कोलकाता नेट में इनवर्ट ए सेमी कॉलन के साथ वापस इसी को मैं पेस्ट कर देता हूं 3 बाई 3। बोले सर 3 बाई 3 क्या है, कि जब हम पूरा कॉलन सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इसी तरह का बनता है ना, तो हमने यहाँ पे 3 बाई 3 इसलिए ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे काउंट इफ के अंदर डालेंगे, काउंट इफ, और हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि ये 3 बाई 3 ये टेक्स्ट है, इनडायरेक्ट तो ये कन्वर्ट करेगा, एंड कॉमा हम बोलेंगे ए को सर्च करो। ठीक है, अब ये हमारा परफेक्ट रिजल्ट हुआ। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले एक बार इसको फ्रीज कर लेता हूं, B6 इसमें बी को फ्रीज करना है, इसको फ्रीज करना है F4 से, यहां भी मुझे बी को फ्रीज करना है, और यहां पूरे को फ्रीज करना है F4 से, और यहां पे सिर्फ 15 को फ्रीज करना है, फिर इसको आगे की तरफ हम ड्रैग कर सकते। सॉरी, इसको नीचे लाना जरूरी नहीं था, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, समझ गया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अनुज 8 को मैं अनुज 1 कर देता हूँ, और अनुज 1 8 कर देता हूँ, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से। बच गए। और सेम इसी तरह भी यहां भी जो सम निकल रहा है ना, मुझे यहां जो आप देख रहे हैं, मैं यहां भी जो सम निकल रहा है, तो मुझे इस सम जो निकला है तो वो भी जो है डिपेंडेंट ना हो, ये भी वो भी जो है वो ऑटोमेटिक है। तो उस केस में भी यहां भी हम कुछ इसी तरह का यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे हम सम इफ, कि सम इफ, और हमने यहां पे इसको सेलेक्ट किया डेटा को, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बोला ए, कर्ली ब्रैकेट में, माफ कीजिए, कर्ली ब्रैकेट में, ए कॉमा बी कॉमा सी, करीब क्लोज किया, माफ कीजिएगा, ये हमने गलत कर दिया, इसको ऊपर करना चाहिए था। और फिर आता है हमारा सम रेंज, जो कि सम रेंज हमारा ये, फिर करीब को हम क्लोज कर, इसको बैक क्लोज करते हैं और एंटर मारते हैं कंट्रोल से, और सॉरी इसको वापस मुझे सम में रखना पड़ेगा। हुआ, तो ये बी और सी को करेगा, अगर ये सीक्वेंस आगे पीछे भी हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन और बाकी जो करना है तो आगे हम कर ही लेंगे, समझ गए। और अगर हम कर ही रहे हैं तो ये जो आपने जो ये रोस्टर बना रखा है ना, इसको भी चलिए ऑटोमेट कर देते हैं। तो रोस्टर में जैसे कि आप, यहाँ अक्टूबर है,
तो आप क्या करें, जैसे नवंबर का आपको बनाना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, नवंबर का डालोगे और फिर इसको नीचे लेके, इसको आगे लेके ड्रैग करोगे, फिर संडे मंडे लिखोगे, फिर ड्रैग करोगे, क्या अनुज जी? तो उस केस में क्या कीजिए कि एक जो डेट लिखा है उसी में आपने प्लस वन कर दीजिए, डेट जो लिखा आपने उसी में आप प्लस वन कर दीजिए और उसी के लेके पूरा ड्रैग कर दीजिए, ठीक है? ड्रैग हो गया। अब मैं एक को चेंज करूंगा, जैसे कि मैंने 1 अक्टूबर लिखा तो एंटर मारते हैं, पूरा चेंज हो जाएगा। और सेम ही जो मंडे संडे मंडे है, यहां पे आप टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें, इसको सेलेक्ट करें और यहां पे डी 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 4 बार डी डी लिख दीजिए, ये आपका संडे मंडे, इससे आपका अटैच हो जाएगा। कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हो गया। और कलर, ये कलर मंडे का है ना आज? नहीं सर, ये वीकेंड ऑफ, मतलब अगर गवर्नमेंट हॉलीडे है फिर भी वर्क करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा पे मिलता है ना, और एक कलर वीक ऑफ का है। ये वीक ऑफ का है जस्ट, बिकॉज सेट नॉर्मल स्टैंडर्ड है, सिटीजन है। तो आप इसका भी जो है ऑटोमेट ऑटोमेट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कलर अपने हिसाब से एडजस्ट हो तो आप इसको, मैं जी बता देता हूँ, क्योंकि तो जब हर महीने चेंज होगा तो आपको कलर भी चेंज करना पड़ता जी है, तो आप कलर भी आपका ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे देंगे इक्वल एन, एन नहीं और हो गया यहाँ पे, और इसको हमने सेलेक्ट किया और बोला कि दैट इज इक्वल टू संडे कॉमा, फिर वापस इसको सेलेक्ट किया और बोला कि दैट इज इक्वल टू सैटरडे इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है? अगर ऐसा हो तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में गया और आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, क्लियर हूँ, क्लियर कोई भी कलर आपके हिसाब से कर लीजिएगा। जी जी क्लियर। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ, आपका ओरिजिनल शीट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने इसको कॉपी कर लिया हूँ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो वैसे रख रहे हैं मैं। हाँ, और हमने इसको ओके कर दिया और फिर इस फॉर्मेट पेंटर से हम अपनी पेंट को बाकी पे पेंट कर देते हैं। दूसरा लीव, तो लीव के लिए भी यहाँ पे आइए, हाईलाइट में आइए, इक्वल टू, अगर एल हुआ लीव हुआ तो इसकी कलर रेड हो, जो भी आप सिलेक्ट करते हो वो कलर हो, ठीक है? ये हो गया। और बाकी और भी चीज कर सकते हो। अब इसी बात हुई होलीडे, तो होली डे के लिए आपको ये, आपने यहाँ पे होली डे लिस्ट दे ही तो रखा है, दे रखा है ना, जी तो आप ये भी कर सकते जी हो कि अगर ये डेट है इसके लिए तो वो भी कलर हो जाए। तो उसके लिए भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे इक्वल लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, COUNT, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और हम चल जाएंगे दूसरे रोस्टर पे, यहाँ पे सॉरी इस पे होली लिस्ट पे, और इसको हम ले देंगे एंड कॉमा, वापस आते हैं और हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं और ये डिलीट, इसे डिलीट कर देते, रखने की जरूरत नहीं है। ई टू, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो फॉर्मेट में इसकी कलर, जो आपकी अलग कलर थी ग्रे कलर जो थी वो कलर आप, लेकिन यहाँ पे हमें ई को फ्रीज नहीं करना पड़ेगा एंड ओ, एंड इसको लीजिए और इसको फॉर्मेट प्रिंटर से कर दीजिए, अब ये आपका 2 अक्टूबर होलीडे क्यों नहीं हुआ, चलिए हम होली लिस्ट में देखते हैं कि
आपका डेट जो है डेट डेट फॉर्मेट में नहीं है, डेट फॉर्मेट में होना है, समझे? तो हम इसके लिए आते हैं डेटा मेनू बार में, देखते हैं टेक्स्ट तो कॉलम से होगा या नहीं होगा। नहीं, ये टेक्स्ट है, ये आपका टेक्स्ट है, तो आपको यहाँ पे 2 अक्टूबर लिखना पड़ेगा, तो काउंट कर पाएगा, समझ गया? अब देखिए यहाँ पे 2 अक्टूबर हाईलाइट हो गया और आपका ये भी हाईलाइट हो गया, 18 अक्टूबर भी हाईलाइट हो गया, तो ये बेटर हो गया पहले से। लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है अब बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे नवंबर का डेट डाला, राइट, नवंबर का डेट डाला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि सब कुछ तो चेंज हो गया बट ये दिसंबर का डेट आ गया, दिख रहा है आपको अनुज जी? सर, बिकॉज वो मतलब पूरा सीरीज था ना वहां तक, इसलिए उसने उठा लिया 6 दिसंबर तक। तो अगला जो टॉपिक हमारा यहां पर ये है कि भाई 30 दिन आया तो 30 दिन तक ही रहे, 40 दिन है तो 40 दिन तक ही रहे, मतलब 28 दिन है 28, 29 तो 29 रहे, तो मैं मंथ के हिसाब से चाहता हूँ, क्योंकि तो कम से कम 28 दिन तो होगा। ये जो 3 है ये अलग अलग मंथ का अलग अलग होता है, किसी फरवरी में 28 29 दिन होते हैं, किसी में नहीं होता है, किसी कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, तो नेक्स्ट मंथ का डेट ना ले, सेम मंथ का डेट हो, इसको करना है। तो ये चीज हम यहां पे करेंगे, यहां देखिए कंडीशन कि इसमें प्लस वन करने पे A2+1 अगर वो ग्रेटर देन होता है ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है कि कोई भी डेट अगर आप लेते हैं तो उस महीने का वो आखिरी डेट देता है। तो हमने बोला कि अगर 28 नवंबर में +1 करने पे इस महीने की आखिरी डेट से बड़ा है तो यहाँ पे ब्लैंक शो कर दे, अदरवाइज इसमें वो +1 करे। ठीक है, लेकिन इसमें हो सकता है एरर आने के चांसेस हो, तो आप इफ एरर लगाइए और यहां पे इसको ब्लैंक कर दीजिए और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। हट गया सर? लेकिन ये देखिए ग्रे हो गया, क्योंकि तो ये जो ब्लैंक है ना, इस ब्लैंक को इसने हॉलीडे पे काउंट, यहाँ पे हॉलीडे में काउंट कर लिया हुआ है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इसको भी थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा कि आपका ब्लैंक को आइडेंटिफाई ना करे। मैनेज रूल में आ गया फॉर्मूला काउंट हॉलीडे, हाँ इसको लेते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगा देते, और हमने बोला लेस देन इक्वल टू 3। तो आपका अगर मान लीजिए कल के डेट में अगर आपका फरवरी का लगा रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप फरवरी का डेट लगा रहे हैं फरवरी,
देखिए, ठीक है सर। तो हर बार आपको कट करने, फरवरी में 1 मार्च क्यों आ गया? सर आपने 2 तारीख से लगाया इसके लिए। हाँ, 2 तारीख से लगा है, दिक्कत ये था। हाँ तो यहाँ पे देखिए 29 तक ही बना। तो और इसमें भी और ऑटोमेशन किया जा सकता है जिसकी वजह से आपका हो। तो कहने का मतलब नहीं समझे, ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ कि एक होता है फुल्ली ऑटोमेटेड, एक होता है सेमी ऑटोमेटेड। फुल्ली ऑटोमेटेड के मुझे कुछ करना ही नहीं पड़े, सारा काम एक्सेल कर दे। सेमी ऑटोमेशन क्या होता है कि आपका 60%, 70%, 80% काम कंप्यूटर खुद कर देगा, 20% काम 80% आपको खुद करना पड़ेगा, समझ गए? तो जब आप फाइल, जो भी कोई भी अगर फाइल बना रहे हैं, तो आपका ये ध्यान होना चाहिए कि इस फाइल पे हम ज्यादा ज्यादा काम मैनुअल ना करें। होता है क्या है कि बच्चे ज्यादा क्यों नहीं कर पाते हैं, मतलब कि ऑटोमेशन, कि वो बोलते यार ये तो मैनुअल कर लूंगा, ये तो मैं हो जाऊंगा, मेरा हो जाएगा, यही पे दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब कि अगर आप कोई चीज को ऑटोमेट कर रहे हो, तो आप उसको कहो कि यार ये भी खुद ब खुद होना चाहिए, और उस पर रिसर्च कीजिए और उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए। तो अनुज जी, आपकी क्लियर हो गया डाउट्स? हाँ सर, कुछ डाउट्स क्लियर है सर। इसमें ना सर, इसी में ना सर एक चीज और, जैसे आपने वो क्या बता दिया वो चीज, कि अगर सर 10 10 महीने इसमें 10 है, अगर मुझे इसमें कुछ और मेंबर ऐड करने हैं, तो मुझे बस उसके फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में मैं कहीं पे भी ऐड कर लूँ, तो हाँ, कहीं भी ऐड कर लो, वो तो मैंने फार्मूला ऑटोमेटिकली उठा लेगा। इसलिए तो मैंने वो लगा दिया है, वो मेथड बता दिया कि इस मेथड से करोगे तो आपको सीक्वेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीक्वेंस रखने की जरूरत नहीं, राइट जी, ठीक है सर। ये वीडियो आपने सेव किया होगा, उसका वीडियो देखिए। वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, और कल की वीडियो यूट्यूब से उठा लिया था ना आपने? अच्छा, ड्राइव में भी अभी चली जाएगी, कन्वर्ट हो गया है, मैं अभी ड्राइव में डाल दूंगा। ओके, तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह से और कुछ और ऑटोमेशन करने की कोशिश कीजिएगा, और कोई डाउट वगैरह तो कीजिएगा। और कल से हम वीवीए स्टार्ट करेंगे, कल हमारा फंडामेंटल ऑफ द वीवीए प्रोग्रामिंग है, ठीक है सर? फंडामेंटल ऑफ वीवीए प्रोग्रामिंग कल जी टॉपिक हमारी है, और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप वेबसाइट को गो थ्रू करो। ये वेबसाइट excel-vva.com, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, किसी और की वेबसाइट है, बट इसमें वीवीए का फंडामेंटल जो है बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें 33 चैप्टर है, 1 to 10, 11, 13। तो मैं चाहूंगा कि आज जो है आप जो है 1-2 घंटे इनके चैप्टर को पढ़ो, इसमें वीवीए की बेसिक कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझाया हुआ है कि क्या होता है वीवीए बाय इमेजेस। मैंने भी शुरुआत में जब लर्निंग स्टार्ट की थी तो इसका इस्तेमाल हमने किया था। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, सारे चैप्टर जितना हो सके उतना, सारे चैप्टर तो नहीं पढ़ पाएंगे, जितना हो सके उतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है? जी सर, excel-vva.com, जी मैं इसकी इस पे भेज देता हूँ, चैट पे भेज दिया, कॉपी कर लीजिए। जी सर, एक चीज और थी एक्सेल में, जो आपने बोला था सर, मैंने कोर्स चेक किया था, कोर्स ऑलमोस्ट मतलब जो मेन मेन टॉपिक है सारे कवर हो रखे हैं। लेकिन सर इसमें ना आपने एक चीज बोली थी, एक चैप्टर में 200 फार्मूले से ज्यादा, जो आपने आज भी जो देखा जाए हमने ऑटोमेट किया है, 90 से 90% हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, 90 से 100%, राइट सर? सर वो फॉर्मूले की कोई लिस्ट है आपके पास, आपका खुद का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ आपको मिला हो? मैंने सर्च किया था नेट पे, मुझे ऐसा कोई अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं मिला अच्छा, जिसमें तो जिस फॉर्मूले की लिस्ट आ आप जाए। नहीं, फॉर्मूले की लिस्ट तो आपको एक्सेल में आ जाएगी, एक्सेल से ले लीजिए, एक्सेल हेल्प से ले लीजिए, ये रहा ना फॉर्मूले का लिस्ट। अरे आपका इस पे आइए, एफएक्स पे आइएगा ना, तो यहाँ कैटेगरीज है, जी
ऑल पे क्लिक कीजिए, सारा फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे डेफिनेशंस है, मोर इस पे चले जाइए, मिल जाएगा आपको। सर मैं इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना यस चेक। अच्छा सर, आउट फॉर्मूला मैं चाह रहा हूँ मेरे पास उसमें आ जाए, हाँ, मतलब सॉफ्ट कॉपी आ जाए ताकि मैं उसे एक बार देख लूँ, ताकि मेरे माइंड में फॉर्मूले तो आ जाएंगे। इस टाइप के फॉर्मूले बेसिक सर याद रहता है, कॉमन, कन्वर्जन, कंपेरिजन, ये चीजें, कैलकुलेशन वगैरह के, ताकि वो मैक्सिमम यूज कर सके। मैं बच्चों को सलाह इसलिए देता हूँ कि जो एक्सेल के अंदर हेल्थ के अंदर जो चीजें दी गई है ना, वो 100% जी मतलब सही है, प्रूफ रीड है। बाकी किसी और अगर मैं इससे निकालता हूँ तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ बात चीजें ऐसी होती है जो कि पॉसिबल नहीं है, इस कारण से इसलिए मैं उसके लिए अलग नहीं बनाया। ऐसे हम कैटेगरी के हिसाब से पढ़ाए आपको, तो मैंने आपको जो है लॉजिकल पूरा पढ़ाया, टेक्स्ट पूरा पढ़ाया, डेट एंड टाइम पूरा, लुकअप रेफरेंस पूरा पढ़ाया, ये चार कैटेगरी हमने आपको पूरा पढ़ाया था। मैथमेटिकल्स में हमने कुछ फॉर्मूले छोड़े थे, इसके बाद स्टैटिकल में कुछ छोड़े थे, और इंफॉर्मेशन फॉर्मूला मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, और क्या बोलते हैं डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट का पूरा कैटेगरी पूरा पढ़ाया था। फाइनेंशियल मैंने कुछ चीजें छोड़ी थी क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ना आप लोग या ना मैं हूँ, तो छोड़ी थी क्योंकि उसी लिए फाइनेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग ये भी हमने छोड़ दिया था पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल है इसलिए हमने छोड़ दिया था। क्यूब इसलिए हमने छोड़ा था। तो ये फॉर्मूले आप सीख भी लोगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत कम जगहों पे किसी एक सिलेक्टेड डिपार्टमेंट यूज कर पाता है, क्योंकि ये पूरी के पूरी नहीं सर, रहता है। जी नहीं सर, आप करेक्ट हो। मैं मतलब तो इन फॉर्मूले की नहीं सर, मतलब कोई जो जैसे आपने लिखा ना, मेनली 200 फॉर्मूलेज होते हैं, मेनली जो सर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, कॉमनली यूज होते हैं, अधिकतर हम वी कैन यूटिलाइज एवरीवेयर, देखता वो हूँ लिस्ट अगर